गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ट्रेकोमा रो है, जिसे कहते हैं ट्रेकोमा जो है आई इन्फेक्शन है, आँखों का एक इन्फेक्शन है। रो है जो होती है यह आँखों की सामान्य वायरल बीमारी होती है। ट्रेकोमा एक संक्रमित रोग है जो जीवाणु क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस द्वारा जनित होता है। ट्रेकोमाइटिस जो जीवाणु ट्रेकोनुमा क्लाइमीडिया ट्रेकोमाइटिस द्वारा जनित होता है, संक्रमित होता है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन की वजह से होती है। ट्रेकोनोमा आँखों का एक बीमारी है, रोग है, डिजीज है जो एक क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटिस नामक बैक्टीरिया से संक्रमण की वजह से होती है, जो जीवाणु क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटिस द्वारा जनित होता है। समय पर उपचार नहीं होता तो रोहा अस्थायी अंधता का कारण बन सकता है। समय पर ट्रीटमेंट न होने के कारण ये जो है अंधता का कारण भी बनता है। ट्रेकोनोमा अस्वच्छता से, भीड़ भाड़ में तथा अस्वच्छ जल एवं शौचालय के उपयोग से अधिक फैलता है। ट्रेकोनोमा जो बीमारी है वह अस्वच्छता से, भीड़ भाड़ में तथा अस्वच्छ जल एवं शौचालय के उपयोग से अधिक फैलता है। मुख्यतः बीमारी आँखों या नाक के स्राव के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। ये जो बीमारी है वह नाक से, आँख और नाक से संक्रमणकारी स्राव होने और उसके संपर्क में आने से यह बीमारी होती है। इस बैक्टीरियम से संक्रमित लोगों की आँखों और नाक के संपर्क में आने वाली मक्खियाँ भी इसे फैलाती हैं। इस बीमारी से संक्रमित जो व्यक्ति के नाक और आँख और नाक के संपर्क में आने वाली मक्खियाँ भी इसे फैलाती हैं। इसके जो है लक्षण देखिए, इसके लक्षण हैं कि आँखों में लालपन, लक्षण चिन्हों में रोगी की पलकों के भीतर सतह पर जो है खुरदरापन होने लगता है। रोगी की जो पेशेंट की आँखों की जो पलक है उसके भीतरी सतह पर खुरदरापन होने लगता है। इस खुरदरेपन की वजह से आँखों में दर्द होने लगता है। आँखों की बाहरी सतह या कार्निया जो है टूट जाती है, पलकें अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, इससे जो है पलकें जो है अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, तेज जलन सा होने लगता है, आँखों से पानी आने लगता है और संबंध जो है बीमारी के दौरान बच्चों की आँखों में लालपन दिखाई देने लगता है तथा आँख से पानी आता है। दाने और फॉलिक्स बनना, उसमें जो है खुरदरा दाने बन जाते हैं आँखों की पलकों में। देखभाल केयर किस तरह से करें, आँखों की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, आँखों में जो है स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ मुख से एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट तथा स्थानिक जो है टेट्रासाइक्लिन ऑइनमेंट, ऑरियोमाइसिन टेट्रासाइक्लिनिक ऑइनमेंट डालना चाहिए आँखों में। पलक में घाव होने की स्थिति में या अंदर मुड़ने की स्थिति में शल्य क्रिया की जाती है। देखिए रोकथाम क्या करना चाहिए, ट्रेकोमा की रोकथाम के लिए आँखों की स्वच्छता रखनी चाहिए। ट्रेकोमा की रोकथाम करने के लिए आँखों में सफाई रखनी चाहिए। आँखों में काजल सुरमा नहीं लगाना चाहिए, आँख में जो है काजल नहीं लगाना चाहिए। आँखों की धूप से सुरक्षा करनी चाहिए, आँख को जो है धूप से बचाव करना चाहिए, लगने से आँखों को बचाना चाहिए। चश्मों का उपयोग करना चाहिए, धूप से बचने के लिए आँखों में जो है चश्मों का उपयोग करना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए। एक ही टॉवल उपयोग में नहीं करना चाहिए, एक ही टॉवल उपयोग करना चाहिए, उसका दूसरे व्यक्ति से उसे संपर्क में नहीं लाने देना चाहिए, उसे जो है दूसरे व्यक्ति को यूज नहीं करने देना चाहिए वो टॉवल। स्वास्थ्य शिक्षा ही उपाय है, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित स्वच्छ जल से आँखों की देखभाल करना चाहिए, स्वच्छ तौलिए व कपड़े से जो है मुंह एवं आँख की साफ सफाई करना चाहिए। आँखों के संक्रमण का त्वरित एवं उचित उपचार करना चाहिए जिससे जो है कॉम्प्लिकेशन ना उत्पन्न हो। नियंत्रण देखिए, जिस क्षेत्र में ट्रेकोमा फैला है वहाँ 10 वर्ष कम उम्र बच्चों को एंटीबायोटिक्स डालने की सलाह देनी चाहिए। जिस क्षेत्र में ट्रेकोमा फैला है उस क्षेत्र में वहाँ के कम उम्र के बच्चों के 10 वर्ष से कम उम्र वाली आयु वाले बच्चों को एंटीबायोटिक्स ड्रॉप डालने की सलाह देनी चाहिए। पर्यावरण संबंधी स्वच्छता रखना चाहिए, पर्यावरण
तो वहाँ के वातावरण को, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, मक्खियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं उससे बचाव करना चाहिए, मक्खियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, मक्खियों को दूर भगाने का उपाय करना चाहिए।